अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के चिंता सिर्फ इस बात की है कि शिवानी वहां पे खाना बना सकेगी या नहीं, और अगर ना बना पाऊं तो उसने एक लिस्ट बना कर रखी है कि तू जब वहां रहने जाएगी ना तो वो तुझे 3-4 डिशेस सिखाई देगी। बड़ी माँ से कहना कि अगर मैं अविनाश को उबला हुआ खाना भी खिला दूं ना तो भी वो अपनी उंगलियां चाट पा रहेगा। आशीष कैसा है? वो तो कह रहा था उसे अविनाश के साथ दोस्ती बढ़ानी है। कहाँ है वो? अरे वो तो जूते शर्ट पैंट सब कुछ पहनकर तैयार था। तो फिर क्यों नहीं आया? मुझे कहीं पहले बाहर जाना था। ये ले दूध पी ले। नहीं पीऊंगा। चल पी ले। गाना नहीं पीऊंगा मैं। अगर वो तुझे शिवानी के घर नहीं ले गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ मैं भी देखता हूँ ना उसको, इतने दिनों बाद अच्छा खासा नहा धोकर आया था, अच्छे खासे कपड़े पहन लिए थे, बाहर आके देखता हूँ वो गायब है। ऐसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू उन दो सहेलियों के बीच में क्या करेगा? हाँ अरे जा, मैं तो शिवानी दीदी के अविनाश से मिलने जा रहा था। झूठा की का तेरी कसम। चलो कल चले जाना। हाँ पर माँ वो शादी की मिठाइयाँ जो है उनके घर पे वो खत्म हो जाएंगी ना। अब आया ना लाइन पे पेटू कहीं का। ठीक है ना। अच्छा लंबू कहाँ है? क्या पापा अपने बदतमीज कहीं का। अरे ठीक है माँ, दीदी ने मना किया है फिर भी एक बात बता दूँ। बैठ क्या? बैठ। ओफो माँ। हाँ तो ठीक है बैठना। हाँ बोल। दरअसल दीदी शिवानी दीदी के घर पे इसलिए गई है ये बताने कि रोहित की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में पड़ती है। तू मिली थी उसे? हाँ मैं उसे देखने गई थी। कैसा है वो? 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो हॉस्पिटल का टाइम खत्म हो जाएगा। देख शिवानी, हमारी तरफ से जितना हो सके हमें करना चाहिए, आखिर एक वक्त हमारी पहचान तो थी ना। चल मैं चलती हूँ। आज नहीं बताया होता तो शायद मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं बताता कि मुझे रोहित और तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम था। उसका तुम्हारे घर में मायूस होना, यह कहना कि शिवानी अब समझदार हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है, या फिर जो कुछ अपना था मैंने दे दिया, उसके ऊपर तुम्हारी झुकी हुई आंखें जिन्होंने सारी कहानी कह डाली,
जो कुछ भी है वो तुम हो अविनाश। मेरा ये घर ही मेरा सब कुछ है। अगर तुम्हें मुझे कुछ मोहलत देनी होगी, जरा सा वक्त देना होगा मेरी यादों को, मेरे उस अतीत को मिटाने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी यादें, मेरा अतीत हमारे आज के करीब कभी ना आए। ये लो यशवंत। अरे मिंसा आप तो बैठो ना। कैसे हो रोहित? ये सब क्या है गायत्री? फल और जूस जो तुम्हें डॉक्टर ने खाने को कहा है। लेकिन मुझे नहीं खाने। तुम्हारे खाने या ना खाने से क्या होता है, तुम्हारे शरीर को इसकी जरूरत है। वो सब क्या है गायत्री? क्या? वो डिपॉजिट वगैरह। देखो रोहित, मेरा ना तुमसे कोई मतलब है न काम, बस जरा सी पहचान है, थोड़ी सी इंसानियत जिसके खातिर मैं सब कर रही हूं। तुम जब ठीक हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाए, तो सारे पैसे वापस कर देना। और अगर तुम्हें मेरा यहां आना ठीक नहीं लगता तो मैं नहीं आऊंगी। नहीं गायत्री, ऐसी बात नहीं है। देखो रोहित, इस हालत में यशवंत या आशीष दोनों तुम्हारी देखभाल उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे जितनी। देखो, कभी कभी किसी बड़े का या औरत का होना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें सिर्फ वही संभाल सकती है, समझ सकती है। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं गायत्री मैम साहब, आप बैठे ना। आपने बेवजह इनकी बात को बुरा मान लिया। हाँ गायत्री, बैठो थोड़ी देर। तुम बैठो, मैं चाय बोल के आता हूँ। गायत्री, देखो रोहित, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। ये तो महज एक इत्तेफाक है कि मुझे सब करना पड़ा। गायत्री, कभी कभी मैं सोचता हूं दुनिया में इतने अच्छे लोग क्यों होते हैं, और बार बार हर मोड़ पर क्यों मिलते हैं। क्यों? उनकी अच्छाइयां कमजोर बना देती हैं। शिवानी, तुम कोई अच्छी सी नौकरी वोकरी कर लो। क्यों? कह कि मैं हमेशा घर से बाहर रहता हूं, तुम घर में उदास सुस्त। ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर के सारे काम तो करती हूँ। घर का काम क्या कम होता है? नहीं, फिर भी अगर औरत घर में बैठे तो उसके दिमाग में जंग लग जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं औरतों को काम करने के, जैसे एक तो फजूल बातों से ध्यान अलग हो जाता है, दूसरा ये कि अलग अलग लोगों से मिलना मिलाना बढ़ता है। चार बातें कोई कहता है, चार बातें सुनने को मिलती है, और शिवानी सबसे ज्यादा तो नॉलेज बढ़ता है। और फिर नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, और फिर बाहर निकलने को मिलता है, और फिर शाम को जब वो थक कर घर लौटती है और सोफा पर धड़ाम, उससे ज्यादा रोमांटिक तो वो लग ही नहीं सकती।
तुम क्यों चाहते हो कि मैं नौकरी करूं? पहली वाली क्वालिटी के लिए या फिर वो थककर घर आकर सोफे पर धड़ाम वाली क्वालिटी? सच पूछो तो वो थक कर घर लौट कर, वो थक कर घर लौटते धड़ाम वाली क्वालिटी। शिवानी तुम नौकरी कर लो। तुमने कभी अपनी सैली को देखा है दफ्तर से जब वो लौटती हुई आती है? वो गायत्री हो? क्या बात है, आजकल उसका फोन वोन नहीं आता? बिजी होगी किसी काम में। गायत्री, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो क्यों चले गए, उनका देहांत क्यों हो गया। उसे अपनाने की हिम्मत है मुझ में, आज नहीं तो कल ये होना ही था। पता नहीं क्यों गायत्री, पिछले कई सालों से मैंने अपने आप को कुछ इस तरह से ढाल लिया है कि सच को अपना सकूं, फिर वो चाहे कितना कड़वा क्यों ना हो। और कुछ नहीं तो उससे तकलीफ कम होगी। लेकिन पिताजी का यूं अचानक हम सबको छोड़कर चले जाना शिवानी का मेरी जिंदगी से ओझल हो जाना, ये सब कुछ जरा जल्दी हो गया, बहुत अचानक हो गया। गायत्री, मेरे पिताजी ने बहुत सारे सपने देखे थे, अपनी बहू देखने के, मुझे पैसे वाला देखने के, मुझे कामयाब देखने के, वो कहते थे रोहित तुम्हारी पहली गाड़ी मैं लूंगा, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, जिंदगी भर बहुत पैदल चला हूं मैं, अगर पोता हो गया तो न जाने क्या नाम, अगर पोती हो गई तो न जाने क्या नाम, और भी न जाने क्या क्या। वो सारे सपने अधूरे रह गए, और गायत्री मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि जिस वक्त उन्हें मेरी जरूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं था। गायत्री, जिस तरह एक बेटे को बचपन से लेकर समझदारी तक एक बाप की जरूरत होती है, उसी तरह एक बाप को समझदारी से लेकर बुढ़ापे तक बेटे की जरूरत होती है। उस वक्त मैं उनके साथ नहीं था, मैं इतने साल नहीं था, वो हमेशा कहते रहे रोहित जल्दी कर, मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, और मैं हंसकर टाल देता था, कहता था पिताजी ऐसा भी क्या, मैं जब भी कोई काम करूंगा बहुत बड़ा काम करूंगा,
सब देखते रह जाएंगे। वो देख नहीं पाए गायत्री, वो देख नहीं पाए। जिंदगी ने भी कैसा एक दफा खेला है हमारे साथ। यहां उनका देहांत हो गया और गायत्री अगर वो कुछ दिन और रुक जाते तो ये सब हमारे पास में कहाँ है रोहित? यहीं आकर तो इंसान बेबस हो जाता है। मौत का अगर उसे पता हो जाए तो और क्या चाहिए? वो तो सिर्फ वही जानता है। मौत से हमें डर इसलिए नहीं लगता कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। मौत से हमें डर इसलिए लगता है कि उसका कोई नियम, धर्म या वक्त नहीं होता। पता नहीं कब दस्तक दे दे और जिद पर अड़ जाए और हम उसे टाल नहीं सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ इंसान हैं। वैसे तो हम एक दूसरे के बगैर घंटों, महीनों, साल काट सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हैं, हम कभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन मौत हमें उनसे इतना दूर ले जाती है कि हर वक्त उनकी याद नहीं आती, लेकिन जब आती है तो बिताए हुए लम्हों की बरसात कर जाती है और दिल दर्द से भर उठता है। ये तो होगा रोहित, जब तक जिंदा हो तब तक। जिन जिन से प्यार करते हो उनसे बिछड़ने की तकलीफ तो पहुंचेगी ही, जिस तरह प्यार का अंजाम दर्द होता है उसी तरह हर रिश्ता टूटने पर ही खत्म हो जाता है। तो हासिल क्या हुआ गायत्री? यादें बस, वो भी किनी हुई। मौसम के साथ साथ बदलती है हर फिजा, मौसम के साथ साथ बदलती है हर फिजा, रहता रहता नहीं है एक सा आलम किसी के साथ। शायद कोई कमी सी है हर जिंदगी के साथ, कोई किसी से दूर किसी के साथ।
किसी के साथ।